शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर ने 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की। मुलाजमीन के नाम पर खुलवाए गए अकाउंट्स में अरबों रुपए आए। मुलाजिम गुलजार अहमद का अकाउंट उनकी वफात के बाद भी चलता रहा। वजीर आजम के मुशीर दाखिला एहतसाब। शहजाद अकबर का मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केसेस से मुतालिक इंकशाफ। कहा अदालती हुक्म पर चालान जमा करा दिया। चालान में हैरान कन चीजें सामने आईं। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकिब पाए गए। कहा हुदैबिया पेपर मिल्स का केस मेरिट पर नहीं तकनीकी बुनियाद पर खत्म हुआ। नवाज शरीफ का केस सबसे मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ मुलजिम नहीं मुजरिम है, उनको सजा होनी है। नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन गए, आज तक इलाज नहीं कराया। नवाज शरीफ केस में हमने बरतानिया से दरख्वास्त की है। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा केसेस की रोजाना की बुनियाद पर समाज और आवाम के लिए लाइव कवरेज की जाए ताकि आवाम उनका असल चेहरा देख सकें। सोलह हज़ार वफाकी मुलाजमीन बहाली केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेड 1 से 7 तक के बरतरफ वफाकी मुलाजमीन को बहाल करने का हुक्म दे दिया। ग्रेड 8 से ऊपर के मुलाजमीन की बहाली के लिए महकमाना टेस्ट पास करने की शर्त आयद। करप्शन, मिसकंडक्ट और अदम हाजिरी पर निकाले गए मुलाजमीन बहाल नहीं होंगे। तहरीरी फैसला जारी। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियां 3 जनवरी से शुरू होंगी। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC के इजलास में फैसला। फैसला तालीमी इदारों में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन के लिए किया गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद में इजाफा। मोहलिक वायरस ने 24 घंटों में 14 अफराद की जान ले ली। 277 नए केसेस के साथ शरह 0.66% रिकॉर्ड। कोरोना में मुब्तला 718 मरीजों की हालत तश्वीशनाक। अमरीकी सदर जो बाइडन ने ओमिक्रॉन के गैर मामूली रफ्तार से फैलाव का खदशा जाहिर कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पोलियो मुहिम जारी। पंजाब में सरदार पोलियो मुहिम के आखिरी रोज भी पोलियो रजाकार मसरूफ अमल। लाहौर में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। OIC वज़रा खारजा कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल। मेहमानों की आमद जारी। हुकूमत का इस्लामाबाद में 18 और 20 दिसंबर को आम तातील का ऐलान। शेख रशीद कहते हैं मोबाइल फोन सर्विस बंद नहीं होगी। आमदरफ्त में तकलीफ पर शहरियों से पेश की माजरत। OIC के 57 ममालिक के वज़रा खारजा और वफूद शरीक हो रहे हैं। पंजाब के बलदियाती इलेक्शन में असल मुकाबला PTI और नून लीग जबकि सिंध में PTI और पीपल्स पार्टी के दरमियान होगा। बाकी मेहमान अदाकार के तौर पर आएंगे, इनकी कोई हैसियत नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी की पेशगोई। कहा जब भी शरीफ खानदान का केस चलता है अदालतों पर दबाव डालने के लिए ऑडियो वीडियोज लीक हो जाती हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल से यूरोपीय ममालिक बखूबी आगाह हैं। नेटो कमांडर्स को भी तशवीश है। अमरीका को कहा जा रहा है माजी की गलतियां ना दोहराए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहा अफगान मसले पर जरा सी गफलत पूरे खित्ते को मुतासिर कर सकती है। FATF एक्शन प्लान पर अमल दरामद। अमरीका ने बिलाखिर पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ कर लिया। अफगान अमल में पाकिस्तान के किरदार की भी तारीफ। दहशतगर्दी से मुतालिक अमरीकी हुकूमत की सालाना रिपोर्ट जारी। PCB ने नए कोचेज की भर्ती के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली। हाई परफॉर्मेंस कोच, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच और पावर हिटिंग कोच के लिए दरख्वास्तें मांगी गई हैं। पाकिस्तान की पहली सरकारी बायोमैकेनिक लैब बनाने का मिशन शुरू। बायोमैकेनिक लैब की इमारत की तामीर इस्लामाबाद के जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुकम्मल। जदीद टेक्नोलॉजी और मशीनरी के लिए टेंडर्स जारी।